हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं वाकाटक वंश के बारे में। तो इसके पीछे हम लोगों ने कलिंगा चेदी वंश कवर किया था और ये वाकाटक वंश है। तो यहाँ पे देखते जाइए, ये शुरू होता है दोस्तों सातवाहनों के पतन के बाद। जब सातवाहन वंश का पतन हो जाता है ना, सातवाहन मतलब गौतमीपुत्र सातकड़ी वाली पूरी कहानी खत्म हो जाती है उनके वंश की, उसके बाद शुरू होता है। और चालुक्यों के उदय के पहले, चालुक्य जो चालुक में तो हमें बहुत सारा पढ़ना है, वेगी के चालुक्य के बादामी के चालुक्य वातापी के चालुक्य तो बहुत सारे हैं। तो उन चालुक्यों के पहले, सातवाहन के बाद और चालुक्यों के पहले, यानी इनके ठीक बीच में एक वंश चला जिस वंश का नाम है वाकाटक वंश। जिस वंश का क्या नाम है? वाकाटक वंश। देखिए, दक्कन में सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंशों में से एक था ये वाकाटक वंश। तो अभी हमने पढ़ा कि दक्कन में था, तो दक्कन मींस क्या? दक्कन का पठार आप लोगों ने सुना ना। दक्कन में हम लोग शामिल करते हैं उत्तरी महाराष्ट्र को, यानी जो गुजरात के बिल्कुल नीचे का हिस्सा और महाराष्ट्र के ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर, ये उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ, विदर्भ बोला जाता है दोस्तों बरार को, ठीक है। तो यहाँ तक इनका शासन फैला हुआ था और यहीं पर आते हैं। पुराणों के अनुसार वाकाटक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था विंध्य शक्ति। क्या नाम था? विंध्य शक्ति। ये वाकाटक का संस्थापक माना जाता था। और किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। इसकी जो राजधानी थी ये विदर्भ था, बिरार नहीं, बरार, ठीक है, विदर्भ या बरार थी। बरार अभी इसका प्रेजेंट टाइम में नाम है। अच्छा, ये थोड़ी सी बातें करते हैं विंध्य शक्ति के बारे में। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, एकदम आराम से आप चीज़ों को सुनते जाइए और समझते जाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको इस पूरे इतिहास को सुनने में। देखिए, जो विंध्य शक्ति था ना, ये तो संस्थापक था वाकाटक वंश का, और सातवाहनों का पतन हो गया है, अभी चालुक्यों का उदय शुरू हो रहा है। तो जब किसी चीज़ का उदय होता है तो बड़ा शक्तिशाली पोजिशन में वो नहीं रहते हैं, अभी तो उदय हो रहा है ना, उदय होने के बाद वो शक्तिशाली बनेंगे। और ये वाकाटक वंश तो पहले से ही शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब कोई बड़ी शक्ति नहीं होती है तो जो छोटी छोटी शक्तियां होती वो अपने आप शक्तिशाली रूप धारण कर लेती हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 255 ईस्वी से लेकर 275 ईस्वी तक है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 255 से 275 के आसपास में, ये गुप्त काल के आसपास की चीजें हैं। गुप्त काल भी तो इसी टाइम है, लेकिन इनका गुप्त काल का क्षेत्र उत्तरी भारत की तरफ ज्यादा है और इनका क्षेत्र तो नीचे वही महाराष्ट्र तक सीमित है ना, खाली महाराष्ट्र तक सीमित है। आइए बात करते हैं विंध्य शक्ति के बारे में। इसने सबसे पहले पूर्वी मालवा पर अपने शक्ति को स्थापित किया। सबसे स्टार्टिंग में क्या करता है? पूर्वी मालवा वाला जो हिस्सा है वहाँ पे अपनी शक्ति स्थापित करता है। उसके बाद विंध्य के पार सातवाहनों के प्रदेशों पर भी धीरे धीरे अधिकार कर लेता है, क्योंकि जब सातवाहनों का पतन होता है तो छोटे छोटे राजा रहते हैं, तो उन पर अधिकार करना बड़ा इसके लिए आसान रहता है और ये अधिकार कर भी लेता है। यह विष्णु वृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण था, तो एक ब्राह्मण था, तो ये ब्राह्मण धर्म को भी काफ़ी बढ़ावा दिया है और उनको बढ़ाने का प्रयास किया है ब्राह्मणवाद को। वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान किया, बहुत अधिक मात्रा में भूमि अनुदान किया था इन्होंने। हालांकि भूमि अनुदान करने का पहला साक्ष्य मिलता हम लोगों को सातवाहनों के काल में, ठीक है। इन अनुदानों के प्रमाण के द्वारा, प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए तमाम ताम्रपत्र अभिलेख हैं। ताम्रपत्रों पर, अभिलेखों पर जो ताम्रपत्र थे और जो अभिलेख थे उन पे इन्होंने बताया है कि हमने कितनी ज़्यादा मात्रा में भूमि दान किया। इससे पता चलता है कि बहुत अधिक भूमियों को इन्होंने दान किया है। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे और उन्होंने तमाम वैदिक यज्ञ भी किए। तो कुल हमने देख लिया, अब यहाँ से थोड़ा सा ब्राह्मणवाद इसके समय में रहेगा, विंध्य शक्ति के समय में। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो इन्होंने वैदिक धर्म को दक्षिण भारत में बढ़ाने का श्रेय जाता है। मतलब वैदिक धर्म को बढ़ा के ले गए कहाँ तक? दक्षिण भारत तक फैलाने का इसका प्रयास किया। इनकी तुलना पुराणों में इंद्र और विष्णु से की जाती है, ठीक है, इनकी तुलना पुराणों में इंद्र और विष्णु से की जाती है। ये रही किसके बारे में बात? ये रही इंद्रसेन के बारे में बात। अब जो होता है, अगला आता है शासक, वो इंद्रसेन का पुत्र है। देखिए, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं फिर इसके बाद बातें करते हैं। सबसे पहले विंध्य शक्ति है जो संस्थापक है पुराणों के अनुसार। इसके बाद देखिए प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन के बाद पृथ्वीसेन प्रथम। ये जो पृथ्वीसेन है ना, इसको स्टॉप करके याद रखेगा, यहीं से हमको वापस जाना है। अब देखिए, इसके ऊपर जाएंगे तो रुद्रसेन प्रथम था, लेकिन नीचे आएंगे तो रुद्रसेन द्वितीय, ठीक ना। रुद्रसेन द्वितीय के बाद आपका रुद्रसेन प्रथम के ऊपर रुद्रसेन प्रवरसेन प्रथम था ना, और यहाँ रुद्रसेन द्वितीय के नीचे प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने ऊपर से नीचे आए थे वैसे वैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपने आप आपका शासनकाल तैयार हो जाएगा। लास्ट में आएंगे नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय,
ठीक है। तो ये आ गए यहाँ तक चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो आइए एक एक राजा के बारे में डिटेल से देखते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं है दोस्तों, सिर्फ उतनी ही बात है जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि आप जानते हैं कि मुझे डीप पढ़ाने की आदत है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से चीज़ों को शार्ट करने की कोशिश किया हूँ। प्रवरसेन जो प्रथम था ना, इसका जो समय है ये 275 से लेकर के 335 ईस्वी तक है, मतलब काफ़ी लंबा शासन इन्होंने किया है, ठीक है। वाकाटकों की शक्ति का जो विस्तार था इसके समय में सबसे अधिक हुआ, भिन्न शक्ति अपना दे के चला गया भाई क्षेत्र, प्रवरसेन ने उसको बहुत बढ़ाया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है यार, 4-4 अश्वमेध यज्ञ कराना अपने आप में बड़ी टैलेंट की बात होती है। अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है, एक यज्ञ कराया जाता है और एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है कि जो भी राजा इसको पकड़ लिया अब उसको सामने वाले से युद्ध करना पड़ेगा। तो ये कोई राजा कब कर सकता है, जब वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहे। इसका मतलब है कि प्रवरसेन प्रथम बड़ा ही शक्तिशाली राजा था, ठीक है। तो इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए और एक वाजपेयी यज्ञ भी कराया था। इसने अपने आप को उपाधि जो दे रखा था वो महाराजा की उपाधि या सम्राट की उपाधि थी, सम्राट की उपाधि रखने वाला एकमात्र व्यक्ति था इस काल में, मतलब इस वंश का। इससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हुई। 4-4 अश्वमेध यज्ञ करा रहा है तो शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि तो होनी है, वृद्धि हुई। वाकाटकों का विस्तार मध्य भारत में भी कहां से कहां तक फैल गया, देखिए बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैल गया, बुंदेलखंड से लेकर नीचे हैदराबाद तक फैल गया वाकाटकों की शक्ति। प्रवरसेन ने शकों के अनेक क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। प्रवरसेन ने क्या किया, शकों के अनेक क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। आइए आगे बात करते हैं। प्रवरसेन के बाद दूसरा शासक आता है नेक्स्ट, इनका नाम है रुद्रसेन प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड है 335 से लेकर 360 तक है, ठीक है। ये महाभैरव के उपासक थे, मतलब शैव धर्म के उपासक थे। इसने गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। देखिए गुप्तकाल का उदय तो हो चुका था और इसने क्या किया कि इसके ये जो है ना, ये समकालीन है समुद्रगुप्त के, और समुद्रगुप्त को तो यार भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और वो तो इतना परेशान हो गया था कि पूरा विजय करना शुरू कर दिया था, उसने कभी जीवन में किसी से हारा नहीं। तो अब सोचिए कहीं ऐसा हो जाए कि उनकी लड़ाई इनसे हो जाए, ठीक है। और अभी देख रहे हैं कि इनके पिताजी जो थे प्रवरसेन प्रथम उसने 4-4 अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है समुद्रगुप्त की नज़र तो पड़ी होगी यहाँ पे कि भैया इनके पिताजी ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, चलते हैं एक हाथ हो ही जाते हैं। तो उसने रुद्रसेन ने अपनी स्थिति को पहले से भांप कर इसने तुरंत मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिया गुप्तों से। और समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण भारत की विजय कर रहा था तो उसने इसके राज्य को छोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उसमें वाकाटक वंश का नाम नहीं है, नहीं तो जितने लोगों को हराया था सबका नाम का उल्लेख किया उसने, किसने, प्रयाग प्रशस्ति में। इसको लिखा था हरिशेड ने, जो उसका दरबारी कवि था, मैंने आपको सारी बात बताया हुआ है। तो इस तरह से इसका वाकाटक वंश भी सेफ हो गया, मतलब कि रुद्रसेन प्रथम ही वो व्यक्ति था जिसने गुप्त काल के राजाओं से संबंध स्थापित किए, संबंध मतलब दोस्ती यारी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है तो वो रिश्तेदारी में बदलती है ना। तो आगे कभी न कभी ऐसा होगा जब यही रिश्ता क्या होगा, एक रिश्तेदारी में परिवर्तित हो जाएगी, एक अच्छी रिश्तेदारी में परिवर्तित हो जाएगी। आइए बातें करते हैं पहले, उसके बाद बताऊंगा आपको डिटेल से। अच्छा यही बता देता हूं मैं आपको, अगला जो रिश्ता आएगा ना, देखिए रुद्रसेन प्रथम है ना, रुद्रसेन द्वितीय का नाम याद रखिएगा, रुद्रसेन द्वितीय का नाम, वहीं पे रिश्ता परिवर्तित होगा। इससे आपको याद भी रहेगा कि रुद्रसेन प्रथम में संबंध बना और रुद्रसेन द्वितीय में संबंध पूरा हो गया। पृथ्वीसेन प्रथम इसके बाद राजा आया, ये 360 से लेकर 385 बीसी तक, बीसी सॉरी 385 ईस्वी तक राजा था, 360 से 385। इसका काल शांति एवं समृद्धि का काल था, बड़ा ही शांतिप्रिय राजा था पृथ्वीसेन। पृथ्वी पे शांति करो क्या मतलब युद्ध का, वाकाटक लेखों में इसके आचरण को युधिष्ठिर के समान बताया गया, मतलब एकदम शांतिप्रिय राजा था, कोई लड़ाई झगड़ा। तो जब इतना शांतिप्रिय राजा होगा तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करेगा, तो कुछ करेगा क्या कि कला और साहित्य में विकास करेगा। देखिए पृथ्वी सेन प्रथम ने क्या किया कि अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह करा दिया, किससे, अब देखिए आ गया ना रुद्रसेन द्वितीय, इसका विवाह करा दिया गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से, वही जिनके यहां नवरत्न रहते थे, वही जिनके यहां विक्रम बेताल कालिदास ये लोग थे, उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो इसने क्या किया, अपने पुत्र का विवाह इनके पुत्री से करा दिया। इनके पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के कई सारे अभिलेख भी मिले हैं ना हम लोगों को, तो हम लोग वहाँ पढ़े थे, याद रखिएगा इसको। तो अपनी पुत्री के साथ इन्होंने विवाह कर दिया। अब बताइए, अब वाकाटक की स्थिति की भौकाल तो और टाइट हो गई, क्योंकि भाई अब ये दामाद है गुप्त सम्राट का,
गुप्त सम्राट वैसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतनी बड़ी उपाधि धारण किया था, ठीक है, और इतने लोगों को हराया था अपने जीवन काल में, मतलब बेहतरीन राजा था एक प्रकार से। अब उससे संबंध स्थापित हो गया तो इनकी कंडीशन और भी अच्छी हो गई। आइए आगे बात करते हैं, अब राजा कौन हो गया, रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीसेन प्रथम के बाद। 385 से लेकर 390 तक में ये राजा बना रहा, 5 साल खाली। क्यों 5 साल, मतलब कोई घटना घटी, कोई अप्रिय घटना घटी। देखिए, इसकी पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्त, और यह थी चंद्रगुप्त, और यह जो था रुद्रसेन था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दामाद हो गया, हो गया ना दामाद, ठीक है। अभी हमने देखा कि विवाह हुआ, उसने अपने पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। ध्यान समझिएगा, बौद्ध धर्म को त्याग कर वैष्णव धर्म को अपना लिया। दुर्भाग्यवश शासक बनने के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन की अकाल मृत्यु हो गई। क्या हो गई, रुद्रसेन की अकाल मृत्यु, इसीलिए इसका शासन सबसे कम चला, 5 साल का, ठीक है, इसकी अकाल मृत्यु होगी। अब क्या होगा, अब होता यह है कि प्रभावती गुप्त जो थी, ये इसकी एक नाब दो दो पुत्र इसके पैदा हुए थे, तो जो पहला नाबालिग पुत्र था उसका नाम था दिवाकर सेन, उसका संरक्षिका बन गई और लगभग 13 सालों तक राज्य किया, ठीक है, किसका संरक्षक बन के, दिवाकर सेन की। लेकिन दिक्कत, 403 ईस्वी में दिवाकर सेन की भी मृत्यु होगी। 13 साल तक राज्य करेगी कैसे, देखिए 385 से 390 तक उसका पति था यानी रुद्रसेन द्वितीय, 390 में जब ये मरा तो उस संरक्षिका बनने की किसकी बन गई, दिवाकर सेन की, तो 90 से 13 साल तक बनी, मतलब 403 में क्या हो गया, दिवाकर सेन की डेथ हो गई। अब क्या होगा, अब इसका जो द्वितीय पुत्र था ये भी नाबालिग था, जिसका नाम था दामोदर सेन, उसकी संरक्षिका बन के शासन व्यवस्था चलाने लगी। कौन, प्रभावती गुप्त, वही जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। तो ये सारा काम चलने लगा। आगे जो शासन आता है प्रबल सेन द्वितीय का, ऐसा कैसे, अभी तो हमने पढ़ा दामोदर सेन का शासन है, मतलब वही नाबालिग राजा है, तो यार बड़ा हो गए, नाबालिग से बालिग तो बनेगा ना, तो ये प्रवर सेन कैसे आ गया। देखिए 410 से लेकर के 440 ईस्वी तक इसका शासन चला, मतलब लंबा चौड़ा शासन चला, 30 साल राजा बने रहना बहुत अच्छी बात होती है। इसका मूल नाम दामोदर सेन था, मतलब वही दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वही दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यह अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद से शक्तिशाली शासकों की कहानी खत्म हो जाएगी। वह एक कुशल प्रशासक भी था, लेकिन उसकी अभिरुचि युद्ध से अधिक शांति प्रिय कार्यों में थी, विशेषतः साहित्य कला इनके विकास में, और इसने किताब भी लिखा, सेतु बंध नामक एक काव्य की भी रचना की, ठीक है, याद रहेगा आपको, सेतु बंध नामक काव्य की भी रचना किया, ठीक है। वही पिताजी इतने महान आदमी, तो मान लीजिए जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, और इन्होंने सेतु बंध एक किताब लिखा प्रवर सेन द्वितीय ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, इसके बाद कहानी आती है, इस प्रवर सेन ने अपनी नई राजधानी बनाया प्रवरपुर को। इसके पहले राजधानी कहाँ थी, नंदीवर्धन राजधानी थी, ठीक है, और नंदीवर्धन राजधानी से शिफ्ट कर लिया उठा के प्रवरपुर। अपने पुत्र नरेंद्र सेन, अच्छा ये भी अच्छा काम करेगा, इसका पुत्र था एक, उसका नाम था नरेंद्र सेन, उसका विवाह करा दिया कुंतल राजकुमारी। दोस्तों कुंतल वर्ड मेरे सामने आता ना, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, पता क्यों, अभी हाल ही में जो बाहुबली मूवी आई थी, तो वो जो उसकी बीवी थी वो कुंतल राजकुमारी थी, याद है ना आपको, तो वही है कुंतल राजकुमारी अजीत भट्टारिका से इसका विवाह हो गया। तो अगर कुंतल राजकुमारी फोरा, तो जब भी देखिए किसी दो वंशों में विवाह होता है ना, तो शक्तिशाली शक्ति और बढ़ जाती है भाई, अभी अकेले थे, अब रिश्तेदार भी आ गया हमारा, वो भी राजा हम भी राजा, तो अब तो कुछ बात ही अलग हो जाएगी, है कि नहीं। कालिदास जो थे ना, ये भी कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया करते थे। तो देखिए प्रवरसेन वैसे भी कला और साहित्य का प्रेमी था, तो कालिदास को तो मिलना था, क्योंकि गुप्तकाल चल भी रहा है और चंद्रगुप्त भाई नाना है, इनके नाना क्या रहता था, जो कालिदास थे वो इनके नाना क्या रहते थे, किसके, अरे वो जो भी हमने पढ़ा प्रवर सेन द्वितीय, इसके नाना थे ना, उसके नाना थे ना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो वहाँ पे रहते थे, तो ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। नरेंद्र सेन अगला शासन किसके बारे में, नरेंद्र सेन के बारे में, भाई अभी शादी हुआ ना नरेंद्र सेन का, ठीक है, किससे, कुंतल राजकुमारी अजीत भट्टारिका से। 440 से लेकर 460 तक ये नरेंद्र सेन शासक बना रहा।
प्रवर सेन के पश्चात मैंने बताया आपको कि अब शक्ति इनकी कम होगी और वाकाटकों की शक्ति का धीरे धीरे पतन होना चालू हुआ। नरेंद्र सेन के शासनकाल में एक नल राजा था, नल राजा था जिसका नाम था भवदत्त वर्मन। इसने आक्रमण कर दिया। अभी देखा हमने ना, पूरे के पूरे वाकाटक वंश पे किसी राजा के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आके चढ़ाई कर दे, लेकिन इस भवदत्त वर्मन ने क्या किया, लाके आके चढ़ाई कर दिया। किसके ऊपर? नरेंद्र सेन के ऊपर। आरंभिक चरण में नरेंद्र सेन तो हार गया, लेकिन अंत में नरेंद्र सेन की जीत हुई। किसी तरह मार के भगाया, शासन जैसे तैसे चला। एक राजा आता है पृथ्वी सेन दूती, ठीक है, 460 से 480 20 सालों तक ये भी राजा रहा। इसके शासनकाल में भी नलों ने बड़ा उत्पात मचाया और त्रैकूटों ने उत्पात मचाया। इस संघर्ष के बीच इसने इसके शासन जो था एकदम कमज़ोर पड़ता गया और एक अभिलेख मिलता है दोस्तों, बालाघाट अभिलेख, जिसमें इसको पृथ्वी सेन दुती को परम भागवत की उपाधि दी गई है, बताया गया है। तो पूरा का पूरा इन दोनों से संघर्ष करते करते इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि अब वाकाटक वंश का पतन हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और उसके पतन होने के बाद नए वंशों का आगमन होगा। देखिए मेन योगदान क्या था वाकाटक वंश का, जो अच्छा योगदान रहा है, एक और राजा था, राजा सर्वसेन, ठीक है, याद रखिएगा। इसने हरविजय नामक प्राकृतिक काव्य की रचना की थी, प्राकृत भाषा में काव्य की रचना की थी। संस्कृत का जो विदर्भ शैली था, राजधानी भाई इनकी शुरू में विदर्भ थी, तो विदर्भ शैली था, उसका पूर्ण विकास हुआ संस्कृत का वहाँ पे विदर्भ शैली में। ब्राह्मण धर्मावलंबी थे ये लोग। अजंता के गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर गुफा नंबर 16 17 में इन्होंने विहार बनवाए और गुफा नंबर 19 में इन्होंने चैत्य का भी निर्माण करवाया। तो ये इनके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है और जो मैंने आपको बताया यहीं पे दोस्तों। अब आगे चल के पृथ्वी सेन दुती के बाद क्या होता है, वाकाटक वंश की समाप्ति हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग सीधे बातें करेंगे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। वहाँ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पल्लव राजवंश के बारे में और राष्ट्रकूटों के बारे में, पांडे के बारे में, चालुक्यों के बारे में, चालुक्य में सारे लोगों के बारे में, वातापी, बादामी, पूर्वी, सभी चालुक्यों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और बड़े आराम से आप मज़े के साथ पढ़ाई करिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए। और एक बात याद रखिए कि सिलेक्शन यहाँ एक जिद है, उस जिद को हमें पूरा करना है। तो मन से पूरा पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि वीडियो पे ऐड आता है दोस्तों तो प्लीज़ ऐड पे आप क्लिक करना मत भूलिए। प्लीज़ आपसे बिना निवेदन कर रहा हूँ दोस्तों, उस ऐड पे ज़रूर क्लिक किया करिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और अपने समय को इधर उधर की चीज़ों में मत गवाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। 6 महीना अगर मेरे साथ आप लग के पढ़ाई कर देंगे, मैं जितना पढ़ाई करा रहा हूँ आपको, अगर 6 महीने लगातार आप इससे पढ़ लेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 2018 के शुरुआत के महीनों में आपकी नौकरी लग जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे, लग जाएगी, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इतने बड़े चैनल को चला रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप कहीं जा सकते हैं, मैं नहीं जाने वाला कहीं। तो आप थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए, बस जितनी चीज़ें मैं अपलोड करता जा रहा हूँ डेली अप टू डेट होकर उतनी चीज़ें पढ़ते जाइए। और मैंने यूट्यूब में प्लेलिस्ट सेट भी कर दिया है, जो भी चाहे इतिहास है, चाहे भूगोल है, चाहे पॉलिटी है, साइंस है, हिंदी है, उन सभी चीज़ों का सीरियल सेट कर दिया हूँ। तो आप उस सीरियल को देखते रहिए और उसी सीरियल से आप पढ़ाई करिए, ठीक है, तो सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।